गाजीपुर के सदर विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार गौतम। इन दिनों क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। किस तरह का क्षेत्र में माहौल है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। राजकुमार गौतम जी, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूर्व में भी आप विधायक रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पांस है। पब्लिक के लोग हर जगह समर्थन भी कर रहे हैं और इस बार 2012 का बदला लेने के भी मूड में मुझे दिख रहे हैं। ये चुनाव बेसिकली न बहुजन समाज पार्टी का है, न राजकुमार सिंह गौतम का, ये जनता का चुनाव है और जनता इस बार बहुत अच्छे मूड में है चुनाव करने जा रही है। भाजपा से यहाँ सदर विधायक रही हैं डॉक्टर संगीता बलोन, सहकारिता राज्य मंत्री, चुनाव से इन वक्त 6 माह पहले बनाया गया है। क्या लगता है कि इस बार के उनके विकास का प्रभाव दिख रहा है या फिर जनता क्या आपको रिस्पॉन्स दे रही है? विकास तो कहीं है ही नहीं है। 5 साल तो किसी का कुशल क्षेम तक पूछने नहीं, सुख दुख में शामिल तक नहीं होने आए। और मैं ये मानता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाता है तो क्षेत्र में की दुर्दशा दिखती है तो वो कुछ काम करता है। आना जाना ही नहीं हुआ और विधायक निधि के बिक्री और भ्रष्टाचार का बात सबको मालूम है। विद्यालयों को विधायक निधि बेची गई, जहाँ कुछ विकास काम भी दिए गए वहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। जो 30% कमीशन देगा तो वो भी तो 20% कमाना चाहेगा, तो फिर काम कहाँ पे दिखेगा? जाके आप देखिए, मेरे बनाए हुए सीसी रोड आज भी चमक रहे हैं। चले जाइएगा आप मुड़वल में, चले जाइएगा आप बनगावा में, जहाँ पे सीसी रोड मैंने बनाए हैं रंडा में, आज भी वैसे चमक रहे हैं। तो विकास कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए, जो यहाँ एकदम दिखी ही नहीं। भाजपा दावा कर रही है कि हमने लोगों तक घर घर राशन पहुंचाया है, शौचालय पहुंचाया है, सड़क पहुंचाया है, बिजली पहुंचाया है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं बेहतर किया है, क्या लगता है? मान्यवर कांसीराम साहब एक बात कहा करते थे कि जब तुम्हें कोई मछली मारने का कांटा दे तो वो ले लेना, और कोई मछली देना चाहे तो उससे मत लेना, क्योंकि मछली खिला के वो तुम्हें गुलाम बनाएगा और अपनी भाषा बुलवाएगा। कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। अगर वास्तव में सरकारों की नीयत ठीक है तो उनको सारे सब्सिडी को खत्म करके नौजवानों के हाथ को काम देना चाहिए। नौजवानों के हाथ से जो काम होगा उससे भारत का विकास होगा, और नौजवानों के पास जो पैसा आएगा उससे उनके घर के खर्चे, हैंडपाइप, घर, राशन सब कुछ वो खुद खरीद सकते हैं। और जहां तक राशन की बात है, 5 किलो अनाज हमारे ही पैसे का हमको सरकार दे रही है। इस देश के अन्नदाताओं ने धरती का सीना चीर के जो अन्न पैदा किया था उसी को दे रही है, और दूसरी तरफ छुट्टा पशुओं को छोड़ दिया गया है। रात रात भर लोग जाके जाड़े में, गर्मी में, बरसात में और उसकी रखवाली कर रहे हैं। इन समस्याओं पर भी संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए था। खैर, अब तो समय निकल गया, अब तो हम लोग आ रहे हैं, कोशिश करेंगे और इस समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे। एक सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनका कार्यालय अमित शाह के कार्यालय से होकर आता है और जो वहां से फरमान जारी होता है वही मायावती करती है, क्या आपको लगता है? कुछ ऐसे लोग हैं, सूरज के ऊपर थूकने से वो वहां तो जाता नहीं, तो अब इन सब मसलों में मैं क्या कहूँ, नॉन सीरियस बातों का जवाब क्या दिया? क्या लगता है सपा, भाजपा, कांग्रेस किससे लड़ाई है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। दूसरे और तीसरे स्थान के लिए सपा और भाजपा आपस में लड़ रहे हैं। मैं इस बात एक अंडर करंट देख रहा हूँ। जनता जनार्दन, मैंने डोर टू डोर चुकी किया है, लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो उनकी आंखों में जो चमक आती है, उनके चेहरे पे जो भाव आते हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं, इस बार मुझको वो अवश्य मिस कर रहे थे और अवश्य ये बनाएंगे, मुझे विधायक बनाएंगे। इस बार के चुनाव में डॉक्टर राजकुमार गौतम को यदि जनता वोट दे तो क्यों दे? मैंने अतीत में 5 साल में विकास के काम करके दिखाए हैं, मैंने सुख दुख में शामिल होकर के दिखाया है। मैंने बताया कुछ ऐसे ऐसे काम हुए जो आजादी के बाद बहुत सारे प्रतिनिधि आए, कोई नहीं करा पाया। ये गद्दोगाड़ा सोलनपुर में एक सड़क बनी है और जिस रोड से आप आए होंगे वहाँ एक पुलिया बनी है। मेरे आने 2007 में विधायक होने के पहले तक पानी भरा रहता था, महिलाएं भी अपना कपड़ा ऊपर उठा के और तब जाती थी और उसके बाद उस पार पहुंचती थी। वो पुलिया मैंने बनाया, वो सड़क मैंने बनाई। चोचकपुर पंप कैनाल पर
स्वतंत्र फीडर मैंने बनाया, 36 किलोमीटर लंबी लाइन लगाई ताकि नहर में हमेशा पानी रहे। ये गाजीपुर से चोचकपुर की रोड को चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराया मैंने। 51 गरीब लड़कियों की शादी मैंने कराई। बहुत सारे ऐसे काम है, ये मैंने बुकलेट एक छपवाया है और उस बुकलेट में सारा कुछ लिख दिया है। आने वाले दिनों में हम 5 साल में क्या करने वाले हैं वो भी हमारे पास है। तो इन स्थितियों में जनता को लग रहा है कि हम वास्तव में उनके सेवक हैं और हम उनकी उनका काम करने वाले हैं। बस इसलिए मैंने ये बुकलेट मैंने छपवा दिया है, 5 साल में किए हुए काम और ये अगले 5 साल में किए जाने वाले काम, ये मैंने लिखे। हम लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट में सीधे जनता से उत्तरापेक्षी हैं। अगर इन कामों को नहीं करवाया तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और अगली बार मुंह नहीं दिखाऊंगा। हाँ, रहूंगा मैनपुर में, रहूंगा मैनपुर। पिछली बार काफी कम अंतर के वोटों से हारे थे, आपने रिकाउंटिंग का भी मांग किया था लेकिन हालांकि नहीं हो पाया। इस बार जीत का अंतर क्या होगा राजकुमार? इस बार 25,000 के ऊपर ही जीत होने जा रही है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। बाकी जनता जनार्दन है, वो कहाँ तक लेके जाती है इसका मैं कोई वो नहीं, लेकिन जो माहौल दिख रहा है स्पष्ट दिख रहा है कि 25,000 के ऊपर की जीत है। क्या इस बार आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रचार के लिए आएंगी? निश्चित रूप से वाराणसी मंडल स्तर पे वो आ रही है, 3 तारीख को है सभा है और बड़ी भारी संख्या में यहाँ से तैयारी है। गाजीपुर सदर से कार्यकर्ता, एक एक बूथ से कार्यकर्ता वहाँ पहुंचेंगे। शायद बनारस में उस दिन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इतनी जनता वहाँ जाने वाली। तो ये थे गाजीपुर से सदर प्रत्याशी बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार गौतम, जो कि क्षेत्र में भ्रमण कर हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। पिछले समय में भी ये विधायक यहाँ से रह चुके हैं, अब ये चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। इनका दावा है कि आने वाला 10 मार्च का परिणाम इनके पक्ष में होगा, इनका ये दावा है। अब 10 मार्च की काउंटिंग ही तय कर पाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ईटीवी भारत।